नमस्कार दोस्तों, सच्ची न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भारत का 30 साल पुराना सपना पूरा हो गया है और अपने वर्ग का दुनिया का सबसे घातक हथियार भारत आ रहा है। ये तो जानेंगे ही, और इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से इस हथियार के आने से भारत चीन के जंगी बेड़े में किस तरह से तबाही मचा सकता। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हर रोज नए घातक हथियार डिलीवर भारतीय सेना को करे जा रहे हैं, और इस समय में भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चीन, जो हर मोर्चे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी चीन से 10 कदम आगे है। भारत चीन को चीन के ही तरीके से घेर लेता है। हालांकि कुछ साल पहले तक भारत की सेनाओं के पास हथियारों की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सेना को एक से बढ़कर एक हथियार दिए जा रहे हैं। और इंडियन ओशन रीजन में चीन से उभरते हुए खतरे को देखकर हमारी नौसेना पिछले 30 सालों से एक डेडिकेटेड नेवल वॉरफेयर हेलीकॉप्टर की मांग कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह के हथियार जब खरीदे गए थे वो थे ब्रिटेन के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, जो कि 50 साल पहले खरीदे गए थे, जिसके बाद एक भी बार इस तरह के डेडिकेटेड नेवल वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीदे गए। लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 2009 के आसपास P-8 पोसाइडन विमानों की खरीद करी थी, जो कि इसी तरह के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि नेवल वेसल्स और खासकर सबमरीन को ढूंढ कर ये विमान टारगेट बना लेते हैं। और दोस्तों, सबमरीन को ढूंढना बहुत ही कठिन काम होता है, और ऊपर से अगर दुश्मन के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो तो फिर उसको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सबमरीन कई महीनों तक पानी में ही रहती हैं और इनका इंजन भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, जिनसे सोलार से भी इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह के सबमरीन चीन के पास भी हैं, और चीन के पास ये एक बड़ी मात्रा में मौजूद है, और इन्हीं सबमरीन की वजह से चीन इंडियन ओशियन रीजन में भी खुराफातें करता रहता है। और इन्हीं खुराफातों को ध्यान में रखने के लिए हमारी नेवी लंबे समय से इस तरह के डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की खरीद की मांग कर रही थी, जिनको हाल ही में भारत ने खरीदा है। तो ये हेलीकॉप्टर्स भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द दुनिया के सबसे घातक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स MS-60 रोमियो भारत आ रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए 2 साल पहले हमारी भारतीय जवानों की एक टीम अमेरिका पहुंची थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी ट्रेनिंग पूरी होने को है, और अगले कुछ ही दिनों में ये टीम MS-60 रोमियोस को भारत लेकर आ रही है। दोस्तों, अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर में भारत के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खास बदलाव किए हैं, और इसमें दुनिया की सबसे घातक मिसाइल भी लगाई गई हैं। जहां एक तरफ इसमें MK-54 टॉर्पेडोस लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेलफायर जैसी एक घातक मिसाइल भी लगाई गई है। और ये हेलीकॉप्टर्स की मदद से भारतीय नौसेना पूरे इंडियन ओशियन रीजन में पहली नजर रख पाएगी। और इन हेलीकॉप्टर्स को खास सबमरीन किलर बोला जाता है, यानी कि पनडुब्बियों को पकड़कर उसको टारगेट बनाकर मारने में ये हेलीकॉप्टर्स दुनिया में सबसे ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। तो जल्द ही आने वाले दिनों में ये भारत आ जाएंगे, जिससे हमारी भारतीय नौसेना की शक्तियों में इजाफा हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।